हेलो दोस्त, आप सबको अशोक जेंट्स पार्लर में स्वागत है। अभी देखिए, हम धनीश जी को बहुत बढ़िया एक फर्स्ट क्लास उनको दाढ़ी सेट करने जा रहे हैं। रेजर से नहीं, हम धागे से करेंगे सेट, ट्रेडिंग करेंगे इनके दाढ़ी को। वीडियो को जो है से कि आप पूरा देखें और उसमें मेरे नुकसान यानी किसी तरह का गलतियां ढूंढें और मुझे बताएं कि जो कमी हमने छोड़े हैं आपके सामने वीडियो में, उस कमी को मुझे बताएं ताकि और भी मैं उसे अच्छा कर वीडियो आपके सामने भेजूं, ताकि आप सब मेरे वीडियो को बताएं कि हम कैसा किए। बाकी आप सब मेरे वीडियो को देखते रहें। और अभी देखिए, ये कैंची है और इससे क्या करेंगे कि बिल्कुल एक निशान देंगे, ताकि जो है ना वहाँ से हम धागे के बिल्कुल उसी निशान पर हम कटिंग करेंगे। ये यहाँ से बिल्कुल सीधा एक कट मार दिए, जिसको हम लोग एल से बोलते हैं। अब ये देखिए, यहां से हमने ये बिल्कुल एल से अपने यहां से निशान मार दिए। और ये जो है देखिए, बिल्कुल यहां जो होता है गोल राउंड में निकालेंगे इसे, जिसे यहां भी हम एक निशान ऐसे, ताकि मुझे ऐसे इसमें बनाने में बिल्कुल आसान होगा। और यहाँ जो ये है, ये देखिए, यहाँ भी हम घी शेप में निकालेंगे। ये बिल्कुल यहाँ से ऐसे, ये घी शेप में यहाँ से जाएगा। और अब यहाँ से ये देखिए, ये बीच शेप में आ गया। और इसमें हम देखिए, अभी हम पाउडर डाला रहे हैं। ये पाउडर क्या है कि इसको लगाने से जो भी हल्का फुल्का सीरम या किसी तरह का सिपसिप टाइप का, यानी कि जैसे होता है ना पानी का या रेसा या पसीना का, वो ये पाउडर जो है ना सोख लेगा। अब क्या है कि मुझे धागे से बनाने में आसान होगा। ये इसमें हम 7 लपेटा मारे हैं, अगर आपकी मर्जी जितना लपेटा मार सके, जिस तरह से आपका तरीका हो। पहले पहले थोड़ा आदमी बनवाता है तो उसे हल्का दर्द होता है, जैसे लगता है कि छुट्टी जैसे काटता हूँ उस टाइप का, बट भैया को नहीं बुझाएगा क्योंकि हमेशा बनवाते हैं। बहुत पुराना हो गया ये अब दूसरे गाल का है साइड का, जो कि ये जिधर पहले किए थे, ये देखिए क्लीन हो चुका है। इधर दूसरे साइड कर रहे हैं और सब देखते रहे। बाल को कभी भी निकाला जाता है बिल्कुल, जैसे कि ये बाल का पोर्शन जो है इस साइड से गिरा हुआ है, तो हम इस साइड से निकालेंगे, ताकि जो है ना बाल पार निकालने में हमको बहुत आसानी होता है।
ये जो गाल के पास यानी आँख के पास यहाँ के जो ब्राउन बाल होता है उससे हम हटा दिए। अब ये देखिए ये जो दाढ़ी के पास यहाँ जो राउंड यानी गोल किया जाता है उसे हम निकालने जा रहे हैं। यहाँ का बाल थोड़ा हार्ड होता है थोड़ा इसमें जो है ना बहुत अच्छे से निकाला जाता है। अब ये दूसरा राउंड है। भैया को दाढ़ी जो है ना देखिए शेप में आ गया है, कटिंग जो है ना छोटा है इसलिए आपको पूरा बारीकी से दिखना पड़ेगा ये। और ये देखिए दिख रहा होगा आपको यहाँ बाल घनापन है और इधर का भी नीचे भी देखिए ये भी कटिंग दिया गया है एकदम ऐसे। अब जो है ना आपका फोरहेड के ऊपर के दिखा रहे हैं जो आपको ये जो है आईब्रो का ऊपर इसे कितना बाल है ये अब हम कर रहे हैं। आप सब वीडियो में बने रहे। और ये जो लीलाड़ है ना इस पर थोड़ा बाल बहुत ही बारीक और नहीं है इसको अच्छे से निकाला जाता है। अब ये दूसरे साइड का हो रहा है। ये देखिए भैया को पूरी तरह से ये देखिए हम फोरहेड को क्लीन कर दिए, देख सकते हैं कितना फ्रेश निकला है भैया को आईब्रो। और ये देखिए पता है भैया के इसी गाल पे तो लोग हम क्या कहें नहीं प्रशंसा करेंगे ज़्यादा। ये जो है ना जब भैया जब निकलते हैं रोड पर ना क्या कहें ज़्यादा प्रशंसा करना उचित नहीं है क्योंकि अब खुद देख के बता सकते हैं कि सच्चाई क्या है इस गुलाब जैसे फूल में। अभी हम भैया को पूरी तरह से क्लियर हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे भैया को फेस स्क्रब के साथ मसाज करेंगे। आप सब वीडियो को देखते रहें। अब ये देखिए हम इस हाथ में लगा लिए हैं और अब हम इनका फेस स्क्रब मसाज के साथ शुरू कर दिए हैं और हम अभी करीब करीब 5 मिनट इसी तरह से फेस को
स्लो मोशन में धीरे धीरे हाथ को जब भी हम चलाएंगे क्रॉस चलाएंगे तो सीधा चलाने से क्या होता है कि हम लोगों का जो पूर्व होता है ना दाढ़ी जिसको हम लोग सेविंग करते हैं वो करीब करीब कोई बाल ऐसे टेढ़ा लांगड़ जमा हुआ होता है तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि वो बाल उखड़ने में डर होता है उनका स्क्रब जो होता है ना दाना उसमें फंसता है तो मतलब थोड़ा ये होता है तो उसके वजह से हम लोग जब भी ऐसे करेंगे इसमें कुछ नहीं होगा बिल्कुल आराम से ये गोल गोल अब ये देखिए भैया को जो है ना पूरी तरह से क्लियर हो गया है। अब हम इनको ऐसे धागे के सहारे से स्लो मोशन में झटका पैसे नहीं खींचना है धीरे धीरे आराम से क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट गाल होता है स्किन यहाँ का। अब ये देखिए अब भीगे हुए तौलिए से ऐसे हमने साफ कर देंगे। अब ये देखिए भैया को जो है ना पूरी तरह से एकदम फिट कर दिए हैं। अब हमारे भैया कुछ कहना चाहेंगे ताकि बहुत से लोग हमारे मित्र भैया के भी दोस्त लोग वीडियो देख रहे होंगे ताकि कुछ जानना चाहेंगे। हमारे अशोक भाई के YouTube फैमिली से बस यही कहना चाहते हैं हम कि अशोक भाई से आज पहला बार नहीं है हमारा, मतलब 2013 से हम इनको जानते हैं और उस समय से मतलब अपना बाल जो है हम इन्हीं से कटिंग करा रहे हैं और दाढ़ी तो उस वक्त था नहीं, अब दाढ़ी अभी हो गया तो दाढ़ी भी अब यही सेट करते हैं। और इनके पास एक बार आइए और इनको एक बार मौका दीजिए, जहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ से खुश होके जाएंगे। चलिए देखिए हमारे भैया हमारे काम से बिल्कुल खुश हैं और आप और ये तो हमारे मित्र हैं और आप लोग आइए और इनका ऐसा व्यवहार है कि आप लोग भी इनके मित्र बहुत जल्द बन जाएंगे क्योंकि इनका जो बात करने का तरीका और यहाँ पे जो आपसे बिहेव है बहुत अच्छा है इनका, मतलब फ्री माइंडेड आदमी है एकदम, बिल्कुल बोला जाए तो एकदम बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे हरीश भाई बात और मेरे बारे में आपने इतना बोल दिए हमें बहुत अच्छा लगा। आप इसके काबिल है इसीलिए आप, और हम चाहेंगे कि आपके मित्र लोग भी होंगे तो आपके देखकर कुछ लोग होंगे जो जानेंगे तो उनको पता चलेगा कि हरीश भाई यहाँ आते हैं। धन्यवाद आप सबको पूरा वीडियो देखने के लिए।